फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर। फ्रेंड्स, आज हम लोग जर्नल के बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे और एक ही वीडियो में जर्नल पूरा बनाना कैसे आ जाए ये भी हम आपके लिए सिखाएंगे। ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक अगर आपने देख लिया तो समझ लीजिएगा कि जर्नल का बहुत बड़ा पार्ट आपके समझ में आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आगे के चैप्टर्स भी इसी पर डिपेंड्स हैं। सो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना है, तो आइए एक भी सेकेंड खराब ना करते हुए चलते हैं, समझते हैं किसके लिए, जर्नल के लिए। आओ शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जब कहीं पर भी आपके लिए मिले क्या जर्नल लिखा हुआ, तो जर्नल का मतलब सीधे समझना किससे, जर्नल एंट्रीज से। ओके भाई, जर्नल एंट्रीज जहां पर लिखी हुई हो समझ लेना डबल एंट्री सिस्टम वहां पर होगा। और डबल एंट्री सिस्टम का मतलब सीधे भाई होगा एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट, को समझे आप। जहां कहीं पर भी आपको जर्नल दिखा हुआ मिल जाए समझ लो जर्नल नहीं, वो जर्नल एंट्रीज करनी है। और जर्नल एंट्रीज में क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा ये हमें समझना होगा। यार अकाउंट्स पे एकदम हम पहुंच जाते हैं, जर्नल की जहां बात होती है वहां जो टीचर्स हैं सीधे अकाउंट्स पर ले जाते हैं। सोचो अकाउंट्स पे बाद में जाओ, पहले ये देख लो कि कोई भी जर्नल एंट्री हो रही उसमें कौन सा अकाउंट्स जो है वो इफेक्टेबल है, किस अकाउंट्स का हम साथ लें। देखो एक ही जर्नल एंट्री जो बहुत कंफ्यूज करती है स्टूडेंट के लिए वो ये होती है शुरुआत में, क्योंकि आपने जब बहुत ज़्यादा जर्नल के बारे में नहीं सुना होता है तो हम कह रहे हैं कि मान लीजिएगा कि एक्स है, इसने गुड्स परचेज किया है। क्या परचेज किया है, गुड्स परचेज किया है, कितने हजार का, 1000 का। किससे परचेज किया है, फ्रॉम बाई से। और दो कंडीशन है, एक तो कैश में और दूसरा किस में, क्रेडिट में। यानी वो भाई गुड्स परचेज करना है, हम कैश में भी परचेज कर सकते हैं और उधार भी परचेज कर सकते हैं। भाई जब कैश में परचेज करेंगे तो मान लीजिएगा कि हमारे पास में आ क्या रहा है, भैया नगद खरीदेंगे तब भी गुड्स आ रहा है, और अगर क्रेडिट में परचेज करेंगे तब भी गुड्स आ रहा है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि गुड्स जब आ रहा है तो डेबिट गुड्स को गुड्स नहीं लिखते परचेज लिखते, तो डेबिट तो परचेज अकाउंट ही होगा, यानी परचेज अकाउंट डेबिट होगा। अब हम अगर कैश में परचेज करते हैं तो आएगा टू कैश अकाउंट, नरेशन में आ जाएगा बीइंग गुड्स परचेज। ओके, अब यहां पर थोड़ा सा समझना, भागना नहीं, 100% आप सीख जाओगे। देखो हम परचेज कर रहे थे तो यहाँ पर जो तीन अकाउंट्स हैं इनके रूल्स ना देखो तो एक वीडियो बनी हुई है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, वहाँ देख लीजिए मज़ा आ जाएगा। इसके बाद अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो 100% आपके समझ में आ जाएगा, अगर उसको ना देखा हो बाद में देख लेना, पहले समझ लो मैंने सबके यहाँ पर रूल्स लिख दिए हैं। देखो यहाँ पर तीन प्रकार के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल रियल नॉमिनल। पर्सनल वो होते हैं जिनमें कहीं ना कहीं 100% नाम आएगा, चाहे किसी ह्यूमन बींग का हो, चाहे किसी इंस्टीट्यूट का हो, चाहे बैंक का हो, स्कूल का हो, कॉलेज का हो, किसी का हो, नाम 100% होगा, वो कौन सा होगा, पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का रूल्स है जो पाने वाला है जो रिसीवर है वो डेबिट होगा और जो दे रहा है वो क्रेडिट होगा। यहाँ पर डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर होता है। और जो रियल अकाउंट होता है उसमें समझ लो कोई ना कोई चीज़ दिखने वाली होगी जिसको हम टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और इंटेंजिबल होगी तो वो गुडविल है सॉरी पेटेंट है, ये चीज़ें होंगी। और जितने एक्सपेंसेस और इनकम होंगे वो सब नॉमिनल में होंगे, तो नॉमिनल में जितने ऑल एक्सपेंसेस और इन लॉसेस को डेबिट करते हैं और इनकम्स को हम क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं, प्रॉफिट को भी क्रेडिट करते हैं। लेकिन यहाँ पर रियल अकाउंट का जो रूल होता है बिजनेस में, जो आएगा डेबिट और जो जाएगा वो क्या होगा क्रेडिट। अब यहाँ पर जब हम गुड्स परचेज करके ला रहे हैं तो यार सिंपल सी बात है, हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है, गुड्स कोई अकाउंट नहीं होता है कॉमर्स में। ओके, कॉमर्स क्या है हमारे चैनल से आप देख लीजिए, हिस्ट्री कॉमर्स की भी देख लिया तो समझ लो आधी से ज़्यादा कॉमर्स तो बेसिस समझ में आ जाएगी। अब यहां पर बिजनेस में क्या आ रहा, गुड्स आ रहा है, तो 100% क्या लिखा है डेबिट व्हाट कम्स, जो आ रहा है उसको डेबिट करते हैं। सो गाइस परचेज करके ला रहे हैं तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट। ओके, जो जा रहा है वो क्या होगा क्रेडिट। अगर हम कैश में परचेज कर रहे हैं तो हमारे पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा, इसलिए टू कैश अकाउंट। मान लीजिएगा 1000 का परचेज किया तो जगह कम है समझ लेना, यहां पर एक्स लिख देते हैं, एक्स गुड्स परचेज्ड 1000 का, ठीक है। यहां पर कैश जा रहा है इसलिए कैश क्या हो गया क्रेडिट हो गया। अब यहां पर थोड़ा सा और ये समझेंगे कि अगर हम इसको क्रेडिट में लिखते, क्रेडिट में अगर हम परचेज करते तो भैया हम क्या इसके लिए पेमेंट करते भाई के लिए, नहीं करते। जब नहीं करते तो टू कैश की जगह पे क्या आ जाता, टू बाई, क्योंकि क्रेडिट द गिवर, देने वाला कौन है, बाई है।
ओके, इसलिए यहां पर क्या हो जाता, डेबिट हो जाता। कुछ समझ में आया? यानी हमने गुड्स परचेज किया दो कंडीशन में, क्या? एक तो हमने कैश में और क्रेडिट में। कैश में परचेज करेंगे तब भी गुड्स आ रहा है, क्रेडिट में करेंगे तब भी गुड्स आ रहा, तो गुड्स परचेज तो डेबिट होना ही होना है। ओके, अगर हम कैश में परचेज करते तो टू कैश आ जाता, कैश में नहीं कर रहे हैं तो देने वाला कौन है, भाई है, तो उसका नाम आ जाएगा। ओके, इसी तरह से जर्नल एंट्री को समझना है, यानी जहां कहीं पर लिखा हुआ मिल जाए आपके लिए कि प्रिपेयर द जर्नल, तो समझ लो जर्नल एंट्री बनानी है। जर्नल एंट्री बनानी है कौन से सिस्टम पर? डबल एंट्री सिस्टम पर। डबल एंट्री सिस्टम पर एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा, ये पहले हमें समझना होगा। ओके, अब इसी बेस पे हमें फॉलो करना होगा किसके, अकाउंट्स के रूल्स के। अकाउंट्स का जो रूल्स हैं वो हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में जो अगर आप देख लेंगे तो वहां से बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब हम सीखते हैं कि जर्नल एंट्री को करेंगे कैसे। देखो समझो, पहले यहां पर थोड़ा सा आपको मैं बेसिक नॉलेज ये भी दे दूं कि देखिए तीन अकाउंट्स हैं और शुरू शुरू में तीनों के साथ में आपको एक 100% एक ही साथ नहीं समझ पाएंगे आप, धीरे धीरे करके जर्नल एंट्री को समझेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर एक जर्नल एंट्री मैं समझाता हूँ क्या है कि देव ने दिनेश से 2000 रुपये रिसीव किए। सुना आपने? देखो देव ने किससे, दिनेश से किए, प्राप्त कौन कर रहा है, देव। तो देखो यहाँ पर लिखा है डेबिट द रिसीवर, यानी देव प्राप्त कर रहा है, देव डेबिट, किसी नाम के आगे अकाउंट नहीं लगता है। अगर एस लगा के अकाउंट लगा सकते हो, देव्स अकाउंट डेबिट टू, दे कौन रहा है, मैंने अभी बोला दिनेश, तो यहां पर लिखेंगे देव्स अकाउंट डेबिट टू कौन, दिनेश। नरेशन में लिखेंगे बीन, गुड्स रिसीव्ड, नरेशन आ जाएगी, इसकी कोई मार्क नहीं होते हैं, ये आपको जो जर्नल एंट्री दी हुई होती है उसी के थ्रू बनाना आ जाएगा। और डीके गोयल से शुरू से लेकर के लास्ट तक के सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। बीइंग गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम क्या, दिनेश। ओके, प्रोफार्मा भी आपको समझा दिया है पीछे। देखो अब यहाँ पर मान लीजिएगा इन्होंने 1000 या 2000 रुपीज रिसीव किए, तो इस तरह से इनको लिखना होता है कि देव डेबिट टू दिनेश, क्यों, देव ने रिसीव किया इसलिए देव डेबिट हो रहा है, डेबिट द रिसीवर, और दे कौन रहा है, दिनेश दे रहा है, इसलिए क्रिएट हो रहा है कौन, दिनेश। अब दूसरी एंट्री आपको मैं इसी तरह की फिर से और बताता हूँ जो आप अपने माइंड में पहले से सेट करिएगा। मीरा गिफ्ट्स कैश टू सीता, मीरा गिफ्ट्स कैश टू सीता, यानी मीरा ने सीता को 1000 रुपये दिए, भाई कौन प्राप्त कर रहा है कौन दे रहा है, बस यही देखना है आपके लिए। भाई सीता रिसीव कर रही तो इसका मतलब है सीता डेबिट और टू कौन दे रहा है, मीरा। तो यहाँ मीरा बीइंग कैश गिवन टू सीता। अब देखो ऊपर की जर्नल एंट्री में, इस एंट्री में क्या है, यहाँ रिसीव्ड किया था किससे, दिनेश से, भाई दिनेश यहाँ पर है क्योंकि दिनेश से देव ने रिसीव किया। यहाँ पर कह रहे हैं कि बीइंग कैश गिवन टू सीता, सीता को कैश दिया, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं, इस नरेशन को भी इसी तरह से लिखा जा सकता था, यहाँ पर 1000 और यहाँ पर भी 1000। ओके, ये हमारे जो जर्नल एंट्री हमने सीखी ये थी कौन से अकाउंट से बिलोंग करती थी, पर्सनल अकाउंट से। ओके, पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब हम थर्ड सीखते हैं, मान लीजिएगा कि बिजनेस के लिए हमने फर्नीचर परचेज किया, एक सेकंड, बिजनेस के लिए हमने फर्नीचर परचेज किया तो यहां पर किस तरह से जर्नल एंट्री होगी, फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम एक्स 5000 का, भैया एक्स से हमने फर्नीचर परचेज किया बिजनेस के लिए, कितने हजार का, 5000 का। ओके, तो एक अब बात करते हैं फर्नीचर की, फर्नीचर हमारा क्या होता है, असेट्स होता है, कौन से अकाउंट से बिलोंग करेगा, रियल अकाउंट से। रियल अकाउंट का रूल होता है जो आए उसे डेबिट और जो जाए उसे क्रेडिट। अब मान लीजिएगा कि हमने इसके लिए फर्नीचर परचेज फ्रॉम एक्स से 5000 का इन कैश में हमने रिसीव किया है, तो भैया एक बार बताओ आ क्या रहा है, फर्नीचर आ रहा है, तो जब एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और जब कैश में परचेज करोगे तो जाएगा क्या, कैश जाएगा, तो टू कैश अकाउंट। ओके, नरेशन में लिखेंगे बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, नरेशन की ये जो नीचे लाइन लिख रहे हैं इसका कोई नंबर नहीं होता, इसकी बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, फर्नीचर, और जा क्या रहा है हमारे पास से, कैश, तो जो आए वो डेबिट और जो जाए वो क्रेडिट, ये रूल होता है रियल अकाउंट का। तो यहां पर हमने 5000 का भैया फर्नीचर परचेज किया तो यही तो आएगा हमारे पास, जाएगा क्या, अरे 5000 रुपये का फर्नीचर परचेज किया तो 5000 तो हमारे पास से जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है हमने उधार परचेज किया हो, क्रेडिट परचेज किया हो, तो क्या होगा, अरे यार फर्नीचर तो फिर भी आएगा तो डेबिट तो फर्नीचर ही होना, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और जब क्रेडिट में परचेज किया तो कैश तो गया ही नहीं, जब कैश नहीं गया तो देने वाला कौन है, पहले ये देखा जाएगा। ओके, पहले
ये देखें क्या आ रहा क्या जा रहा है, अगर क्या आ रहा है तो भाई आने वाली चीज लिख जाएगी, जा रहा है कुछ जा ही नहीं रहा है, आ ही रहा है तो भैया हमारे लिए दे कौन रहा है, क्रेडिट द गिवर। बस छह बातें हैं जब समझ लो सीख गए आप, जो मैंने अभी यहाँ पर धीरे धीरे क्लियर होती चली जा रही है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, देने वाला कौन है भाई, देखो कौन है, एक्स है, टू एक्स। नरेशन लिखेंगे बी, फर्नीचर फर्नीचर परचेस्ड ऑन क्रेडिट, यानी हमने क्रेडिट में उधार में फर्नीचर को परचेज किया 5000 और 5000। अब अगर हम फर्नीचर का पेमेंट करते हैं तो क्या एंट्री होगी, अरे भाई किसके लिए पेमेंट करोगे, एक्स के लिए, बस डेबिट द रिसीवर। वो पेमेंट किसे मिलेगा, एक्स को ही तो मिलेगा, एंट्री बनेगी जाकर के एक्स डेबिट, और जाएगा क्या हमारे पास से कैश, तो यहां पर लिखा जाएगा टू कैश अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे बी, पेमेंट मेड। अब यार देखो तीनों कंडीशन आपके सामने आ गए रियल अकाउंट की, भाई हम कोई चीज कैश में परचेज करते हैं फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश होगा, फर्नीचर आ रहा कैश जा रहा, क्रेडिट में परचेज करते हैं फर्नीचर तो फिर भी आ रहा है लेकिन जो गिवर है वो क्रेडिट हमने कर दिया। अब गिवर को पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, जो गिवर है उसका नाम डेबिट, क्योंकि अब उसको पेमेंट कर रहे हैं, अब वो गिवर की जगह पर कौन हो जाएगा, रिसीवर हो जाएगा क्योंकि कैश रिसीव करेगा, तो यहाँ पर एक्स डेबिट और टू कैश अकाउंट। अच्छा ये एंट्री को मैं आपको बता दूं, इस एंट्री में कोई डिफरेंस नहीं है यार, देखो फर्नीचर डेबिट हुआ, फर्नीचर यहाँ पर भी डेबिट है, कैश क्रेडिट हुआ, अरे भाई देखो एक्स यहाँ पर क्या है, क्रेडिट है, और यहाँ पर एक्स क्या है, डेबिट, क्रेडिट से डेबिट कट गया, बचा क्या, टू कैश ही तो बचा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट 5000 और 5000, तो एंट्री लौट के वही आई। यही रूल्स सीखना है जनरल में, यही हिसाब किताब करना, और इतना सीख लिया समझ लो अकाउंटेंट वही लोग तो बनते हैं। तो आपने इस एंट्री को दो बार में हमने किया, ये एंट्री एक बार में की, मतलब वही था, होना तो वही है, पहुंचना वही है हमारे लिए। अब हम बात करते हैं तीसरा अकाउंट है हमारा कौन सा, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट की रूलिंग क्या होती है अभी हम समझाते हैं आपके लिए, दो सेकेंड में आपको 100% समझ में आ जाएगा। देखो देखिए तीसरे अकाउंट के लिए हम दो जगह एंट्री लिखते हैं, पहली है पेड टू मुकेश, समझो यहां पर हमने तीन जगह एंट्री यहां पर ली है, बेजेस पेड टू रहीम 2000 रुपीज, कमीशन रिसीव्ड 1000 रुपीज, और सैलरी पेड टू मुकेश 1000 रुपीज। अब इनकी जमा एंट्री कैसे होंगी, देखो यार यहां पर पहले समझना होगा, आप सोचोगे कि बेजिस पेड टू रहीम 2000, अब आपके समझ में तो सीधे आएगा कि नाम आ रहा रहीम का, लेकिन नाम से भी पहले क्या चीज आ रहा है, बेजिस, और बेजिस हमारी क्या होती है, बेजिस वो होती है मजदूरी जिसको कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट से बिलोंग करती है। भाई हमारे यहां पर चाहे एक्स बेजिस ले, चाहे बाई बेजिस ले, चाहे राम ले, श्याम ले, महेश ले, गीता ले, सीता ले, रहीम ले, कोई ले, हमें किससे मतलब है, हमें तो भैया उसने मजदूरी की है हमारे यहाँ पर, उसने काम किया है, जो काम करेगा हम उसे पैसा देंगे, तो नाम से तो यहाँ पर ऐसे में मतलब होता ही नहीं है। ओके नाम से मतलब कब होगा, जब या तो पर्सनल अकाउंट हो या रियल अकाउंट हो, नॉमिनल अकाउंट में नाम से कोई मतलब नहीं होता है। ओके ये समझना बहुत जरूरी है। अब बेजेस हमने की तो यहां पर रूल्स क्या होता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट करते हैं और इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, फायदा हो क्रेडिट कर दीजिए उसके लिए, और अगर जा रहा हो हमारे पास से तो उसे क्या कर दीजिए, डेबिट कर दीजिए। अब मान लीजिएगा कि बेजेस हम पेड करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी, भाई बेजेस अकाउंट डेबिट। अब पाने वाला डेबिट क्यों नहीं हुआ, यहाँ पर रहीम जो प्राप्त कर रहा था रुपए वो नहीं होगा, उधार के थोड़ी नहीं ले रहा है वो हमसे, किसी और के थोड़ी नहीं पेमेंट जा रहा है, भाई उसने मजदूरी की है तो मतलब सीधे सीधे उसे किससे है, मजदूरी से है। सो गाइस यहाँ पर बेजिस अकाउंट डेबिट, बेजिस में पेमेंट क्या करोगे, कैश के थ्रू ही तो करोगे, जो जाएगा वो क्या होगा, क्रेडिट, क्योंकि कैश हमारा कौन सा होता है, रियल अकाउंट, और कैश आए हमेशा डेबिट होता है, जाए हमेशा क्रेडिट होता है, ये समझ लिया, आधी जगह एंट्री हो जाएंगी। तो यहाँ पर लिखा जाएगा टू कैश अकाउंट, नरेशन में बीइंग वेजेस पेड टू, नाम लिख, इच्छा है तो लिख दीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं है, टू रहीम, यानी रहीम से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे, वेजेस से, और कितने थाउजेंड, 2000 एंड 2000। दूसरी एंट्री हमारी है कमीशन रिसीव्ड, यार अच्छा लिखा हुआ होता कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम बाई
तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बाई से मतलब ही नहीं है, हमें तो क्या मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है। कमीशन मिलेगा तो पैसा आएगा जाएगा, आएगा फायदा होगा, फायदा होगा तो उस चीज को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कमीशन से फायदा हो रहा है, क्रेडिट कमीशन होगा, कैश आ रहा है तो डेबिट क्या होगा, कैश, कैश अकाउंट डेबिट, नरेशन में आएगा टू कमीशन, ओके कमीशन अकाउंट, नरेशन में लिखेंगे बीइंग कमीशन रिसीव्ड, ओके कितने 1000 रुपीस एंड 1000 रुपीस। अब यहां पर बाई से हमें कोई मतलब नहीं है, क्यों, हमें भैया बेजिस देनी थी तब भी किसी के नाम से मतलब नहीं, हमें तो बेजिस देनी है, जो काम करेगा उसे कमीशन की बात करेंगे तब भी हमें कमीशन लेनी है, ओके नाम से कोई मतलब नहीं। सैलरी पेड टू मुकेश, यहां पर भी यार एक अजीब बात आ गई, क्या आ गई, सैलरी पेड टू मुकेश, अब मुकेश से मतलब रखे हैं, सैलरी से मतलब रखे हैं, भाई सीधे समझो, चाहे मुकेश सैलरी ले चाहे दिनेश सैलरी ले, हम सैलरी उसी को देंगे जिसने हमारे यहाँ काम किया होगा, जब काम किया होगा तो मतलब सीधे सीधे हमारा किसका है, सैलरी से है, तो एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट, और सैलरी में क्या दिया जाता है, कैश, कैश जाएगा, इसलिए यहां पर क्या होगा, क्रेडिट टू कैश अकाउंट, नरेशन में आएगी बीइंग सैलरी पेड टू, अब यहाँ पर लिख देते हैं मुकेश जिससे याद रहे, जो जनरल जो है ब्रीफ हिस्ट्री आपके लिए देता है एनी ट्रांजेक्शन की, तो ये बताता है कि आपने 1000 रुपये सैलरी तो दी, लेकिन दी किसे, मुकेश को, ये नरेशन से पता चल जाता है, नरेशन में भी मुकेश ना लिखोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सीरियल नंबर के साथ में जो ट्रांजेक्शन हो रहे होते हैं वो एक जनरल रूप से ये प्रेजेंट कर देते हैं कि कौन सा ट्रांजेक्शन किसके साथ में किया गया, ओके। तो यहाँ पर आज हमने सीखा कि जनरल एंट्री को कैसे बनाएं, यार थ्री अकाउंट्स हैं, कौन कौन से, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, तीनों के रूल्स पहले से भी समझ सके हैं, आज भी, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, बट कम्स इन वो डेबिट होता है और बाट गोज आउट क्रेडिट होता है, और जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं उनमें होते हैं ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं, और जितनी इनकम्स और प्रॉफिट होती है उन्हें क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो हर अकाउंट की आज जर्नल एंट्री सीखी, अब इसके बाद जितनी जर्नल एंट्रीज हैं सब डी के गोयल से आपको मिलेंगी, या आपकी अपनी कोई हो, देखिए डी के गोयल हम इसलिए लेते हैं अधिकांश स्टूडेंट के पास में वही बुक होती है, वैसे ऐसा नहीं है कि कहीं से कुछ हमें मिल रहा हो जो हम उसी उन्हीं की बुक पढ़ाएं। आप जो जर्नल एंट्री अगर चाहेंगे तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां आप जो भी क्वेश्चन पुटअप करेंगे 100% उसका बहुत ईजिली हम सोल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। नया चैनल है, सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बार बार हम नहीं कहते हैं हमें सब्सक्राइब करो, लाइक करो, यार तुम पर डिपेंड करता है, हमारा मेन मकसद है आपको कुछ सिखाना, और अगर अच्छा लगा हो तो आप जरूर हमारा सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।